नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में BTSC ANM 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, काउंसलिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, विभाग काउंसलिंग कब से करवा रही है, काउंसलिंग लिस्ट कब जारी कर रही है, विभाग के अंदर अभी क्या चल रही है, तो अंदर की बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरी बात देख लीजिए, कल फिर से ANM कर्मी जो संविदा पर कार्यरत है अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखी है, धरना प्रदर्शन की है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं कि कल क्या क्या हुआ है और अभी विभाग के अंदर क्या चल रही है, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि आज 1 सितंबर है। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। BTSC ANM 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आई है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, सो आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, अनुबंध पर कार्यरत ANM को अस्थायी करे सरकार। देख लीजिए सारी जानकारी लिखा हुआ है सरकार के समक्ष फिर से। देख लीजिए ANM कर्मी ने अपनी मांगों को रखे हैं, आज के पेपर में दिया हुआ है। अगर आज पेपर लिए हैं तो आज पेपर में देख सकते हैं जो फिर से ANM कर्मी ने अपनी मांगों को रखे हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो अभी सरकारी छुट्टी था उसमें सरकार के द्वारा कटौती किया गया है। इसीलिए देख लीजिए फिर से सभी ANM कर्मी अपनी मांगों को रखे हैं, जो कि पिछले 6-7 वर्ष से अनुबंध पर कार्यरत है और 5,000-7,000 में ड्यूटी कर रहे हैं। और आपको भी पता है 10,709 पोस्ट जो कि परमानेंट जॉब है, इसलिए बिना किसी शर्त के, बिना कोई एग्जाम लिए कौशली करवा के सभी को परमानेंट करने के लिए, देख लीजिए सभी ANM कर्मी सरकार से गुहार लगाई है और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखी है। सारी जानकारी इस वीडियो में लिखा हुआ है और ये पेपर कट में सारी जानकारी लिखा हुआ है कल क्या क्या हुआ है। तो देखिए आप लोग PST का इसके टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पेपर कट हम टेलीग्राम पर देने वाले हैं, आप लोग एक बार डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा जो कल क्या क्या हुआ है। देख लीजिए कल यही हुआ है, जो सभी ANM कर्मी फिर से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं और बिना कोई शर्त के बोले हैं जो जल्दी से जल्दी आयोग के द्वारा काउंसलिंग स्टार्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों हम आपको पहले बता दिए जो सितंबर में सभी ANM कर्मी बोले हैं जो 1 से 2 सितंबर तक अगर काउंसलिंग लिस्ट नहीं जारी हुआ तब हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, और आपसे भी आप लोग से भी बोले थे जो धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं कीजिएगा तब तक सरकार मानेगी नहीं, और नहीं मानेगी तो इसमें एग्जाम लगा देगी, फिर आप लोग को दिक्कत है। दूसरी बात है, कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे PKC एक न्यूज है, एक जो है उसके बारे में आपको बताए थे, एक वेबसाइट है जिस पर जो फेक बताता है उसके बारे में आपको बोले थे सावधान रहने के लिए, न कि हम आपको बोले थे उस पर जाके चेक कीजिए। आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट किए थे, आप लोग भी गलत वीडियो बना रहे हैं, आप भी आप पर भी विश्वास था, आप भी गलत वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हम कतई गलत वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं गलत वीडियो आप लोग को अपलोड करके देते हैं, क्योंकि वह PKC न्यूज देखे पहली बार हम देखे थे, उस पर BTSC ANM 10,709 पोस्ट के काउंसलिंग के बारे में बता रहा है। इसीलिए हम आपसे सचेत, आप लोगों को सचेत होने के लिए कल वह वीडियो हम बनाए थे, न कि आप लोगों को बोले थे चेक करने के लिए। जब तक कोई कुछ अगर काउंसलिंग के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको बिलीव नहीं करना है। कल वह वीडियो बनाए थे जो देख लीजिए, PKC एक न्यूज है, एक वेबसाइट है जिसपे आपको क्लिक नहीं करना है, नहीं उस पर जाना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा ऐसा फर्जी वेबसाइट है जिसके माध्यम से बहुत सारा स्टूडेंट को पेमेंट भी कर जाता है। उस पर कहेगा क्लिक करने के लिए, क्लिक कीजिएगा तो ID पासवर्ड आपको ईमेल ID और पासवर्ड मांगेगा, वह उसके पास चला जाता है, उसके बाद जो है सारा डाटा लीक हो जाता है। इसीलिए जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा और हम लोग द्वारा नहीं बताया जाएगा तब तक आप क्लिक नहीं कीजिएगा। वह हम आपको बताए थे वह वेबसाइट फर्जी है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना, इसीलिए कल वह वीडियो बनाए थे, न कि व्यू के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए, न कि आप लोग के साथ विश्वासघात करने के लिए वह वीडियो बनाए थे। आप लोग को ठेस पहुंचा इसके लिए सॉरी, क्योंकि सचेत करने के लिए ही वह वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड किए थे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे वह वीडियो किस लिए प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि हमेशा चाहते हैं मेरे बहन और मेरे भाई के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, इसीलिए वह वीडियो बनाकर हम कल आपको दिए थे। और PST की क्लासेज हमेशा सही और ऑथेंटिक ही वीडियो प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा हमेशा। और अभी भी देख लीजिए आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा जो सर आज के पेपर में नहीं दिया हुआ था। दोस्तों हम पूरे प्रूफ के साथ हम पेपर आपको दिखा सकते हैं जो आज के पेपर में दिया हुआ है। तो आज क्या क्या हुआ हम सारी जानकारी बता चुके हैं। तो देख लीजिए आज फिर से धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या कुछ अपडेट निकल के आएगा फिर से 8 बजे रात तक हम आपको डिटेल्स वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और
दिखा देंगे आप लोग को, देख लीजिए आज क्या क्या हुआ है। अगर एएनएम कर्मी के द्वारा अगर वीडियो भेजा जाता है तो हम आपको वीडियो दिखा के अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग देख लीजिएगा जो क्या क्या आज विधाना प्रसन्न हुआ है। सेप्टेम्बर में तो आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग डेट, इसलिए आप लोग को हैरान नहीं होना है। और पीएचडी की क्लासेज आपके साथ है। आई होप कि सारी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। और अंदर से अभी कुछ नहीं चल रही है, याद रखिएगा अंदर से अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आया। वो वही बोल रहे हैं एक दो दिन में आप लोगों को जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वो एक दो दिन नहीं होता है, इसीलिए उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। आप लोग अपना कमर कस लीजिए और रेडी हो जाइए पटना चलने के लिए, क्योंकि एएनएम कर्मी पहले ही रेडी हो चुकी है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट इस वीडियो में कॉमेंट कीजिए और बताइए कब पटना चलना है। आई होप कि सारी जानकारी इस वीडियो में बता दी है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा और दिल के साथ कमेंट कीजिएगा जब आप मेरे साथ हैं पटना चलने के लिए, रेडी है कि नहीं। सभी स्टूडेंट थैंक यू।